प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुरसरिता को और दबाएं बेल आइकन को संगीत से रिलेटेड तमाम वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन शास्त्री और सुरसरिता में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी म्यूजिक धुन में लेकर के आया हूं, ऐसा म्यूजिक टोन है जिसे आप माइनर और मेजर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा धुन है, बहुत ही खूबसूरत सी टोन है और किसी भी गाने में, किसी भी भजन में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि आप इसको माइनर मेजर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये बात है। ऑनलाइन रियाज करने के लिए हर तरह से बेस्ट ऐप है रियाज ऐप। इसमें आप एक सिस्टमेटिक तरीके से डे बाय डे रियाज करते हुए अपने वोकल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ हर प्रकार के रियाज आप कर सकते हैं। इसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप रियाज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रीमियम वर्जन लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया हुआ है, उस कोड को अगर आप यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलता है। और दूसरा इसलिए है कि कोई भी गाना या कोई भी भजन अगर आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको फिंगर की मेहनत करनी है, यानी फिंगर एक्सरसाइज करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। जितना बजाने में आसान है उतना ही ये सुनने में भी अच्छा लगता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में केवल म्यूजिक ही नहीं और भी बहुत कुछ है, बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा बजा लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। इसमें हमने जो यूज किया है, एक केवल ऐसा स्वर है जो हमने कोमल लिया है, वो गा है, क्योंकि हम पहली काली स्केल लेकर के इसका चलते हैं। आप अदर स्केल से इसको प्ले कर सकते हैं। तो एक कोमल गा का यूज किया है, जिसको अगर आप मेजर में बजाते हैं तो शुद्ध का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर माइनर में आपका भजन या गीत है तो कोमल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों लगा सकते हैं। देखिए, पहले सुनिए इसको। तो ये एक पार्ट है, और इसी में एक और पार्ट है, वो हमारा ऊपर के स्वर में जाता है। तो दोनों पार्ट हम देखेंगे। अब यहाँ हमने कोमल गा का प्रयोग किया तो ये माइनर हो गया, अब इस पे अगर शुद्ध लगा देते हैं तो ये मेजर हो जाता है। है ना, तो बजाने में भी आसान हो और दोनों में आप उसको यूज़ कर सकें, एक ऐसा टोन हम लेकर के आए हैं आपके लिए, ऐसा धुन है ये। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और स्वर कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाएंगे, ये हमारी पहली काली है। तो ये हो गया सा, और सा से तार सब तक के रे तक ही हम जाने वाले हैं। तो स्वर जो है इसमें कौन से लगने वाले हैं वो आप देख लें। सबसे पहले एक मंत्र सप्तक में हमारा धा लगता है, फिर सा रे, दोनों गा में से एक गा को आप एक समय में यूज कर सकते हैं माइनर मेजर के हिसाब से। मा पा धा सा और रे, सीधा सीधा है ना, तो बजाने में भी आसान है। देखें क्या चला, गा रे सा धा सा गा रे सा, गा रे सा धा सा गा रे सा। अब इसका यूज आप म्यूजिक के तरीके से भी कर सकते हैं, और भजन और गाने में आप अपना आलाप भी इसमें दे सकते हैं। है ना, तो इस तरीके से आलाप में भी यूज कर सकते हैं। हो, बड़े आराम से, तो बहुत आसान है। गा रे सा धा सा गा रे सा, फिर आगे आते हैं तो है ना, पा मा गा मा गरे गा मा गरे सा। ये नेक्स्ट पैटर्न, पा मा गा मा गरे गा मा गरे सा, गरे सा धा सा गरे सा, है ना। अब इसके ऊपर का जो हमने बताया था ना, पा से लेकर के सा पे जाएंगे, उसको देख लेते हैं। और बहुत सारे गाने, बहुत सारे भजन, बहुत सारे सोहर हैं जिनके नोटेशन आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा। और बहुत सारे ऐसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के थ्योरीज हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक हैं, या आप अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पे जाके आपको इसकी जानकारी पूरी मिलने वाली है। तो
www.sursaitatechno.com गूगल पे आप टाइप करें, इंटर करें, हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसी में रहेगा, अलग से नहीं है। कैसे इसको देखिए, अब यहाँ से बजा के फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो इसको देखते हैं। इसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ऐसे तमाम वीडियोस पाने के लिए। देखें, यहां से हम जाएंगे अपने सा पे। सारे धसारे धसा सारे सारे साधा धसा धप पध प गे गे सा, है ना। आराम से क्या है, सारे पहले तो हो गया एक पैटर्न, सारे धसा, ये दो बार प्ले होगा, फिर सारे साधा धा सा धा पा पा धा पा गा रे गा रे सा, है ना। तो क्या हो गया, देखें म्यूजिक क्या हुई आपकी। तो इस प्रकार से ये आपका एक म्यूज़िक तैयार हो गया। साधारण सा म्यूज़िक है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं, कहीं भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो एक बार दोनों को मिला के प्ले कर देते हैं, देख लें। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।